चैप्टर वन के पहले हिस्से में हम देखेंगे कि मेजरमेंट क्या होती है, यानी किसी चीज़ को नापना। उसके लिए हमें स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है और सिस्टम इंटरनेशनल में क्या स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और आखिर में हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को नापना। अगर मेरे पास एक चीनी का ढेर है और मुझसे कोई पूछता है कि ये कितनी चीनी है, तो मैं उसको नाप के बताऊंगी। सबसे पहले उसके लिए मुझे एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम पैमाना कहते हैं। उसके साथ मैं नापूंगी कि मेरी चीनी कितनी है। मसलन मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट करती हूँ एक कप। अब मैं कप्स में डाल के इस चीनी को देखती हूँ कितने कप्स में पूरी आती है। मैं ये मेजरमेंट करती हूँ तो मुझे पता चलता है 3 कप्स में ये सारी चीनी पूरी आ जाती है। तो फिर अब मैं किसी को बता सकती हूँ मेरे पास 3 कप्स चीनी है। ये मेरी मेजरमेंट है। इसके दो हिस्से होते हैं। कप्स मेरा यूनिट है, जो मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट करती हूँ वो मेरा यूनिट बन जाता है, और 3 इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कितने यूनिट्स के बराबर मेरी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। तो दुनिया में कोई भी चीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसा कि इस मिसाल में शुगर फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर आपने उसको मेजर करना है तो आपको सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना होता है, जो कि इस मिसाल में कप था, और फिर आपके पास मेजरमेंट आती है, जिसके दो हिस्से होते हैं, यूनिट जो आपका स्टैंडर्ड होता है, और मैग्नीट्यूड के कितने स्टैंडर्ड्स के बराबर आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह दुनिया की 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको बेसिक क्वांटिटी कहते हैं, एक सिस्टम इंटरनेशनली लोगों ने एग्री किया कि ये 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं। इनके लिए अगर इनको मेजर करना है तो क्या स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे चीनी के लिए मैंने कप सेलेक्ट किया, इसलिए इस तरह उन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड्स सेलेक्ट किए जो पूरी दुनिया में एक जैसे हों, और फिर बाकी की सब क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, और उनको नापने के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिक क्वांटिटीज़ के स्टैंडर्ड से मिलकर बनते हैं, इसलिए उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की, जिनके लिए स्टैंडर्ड्स कुछ मुख्तलिफ हैं, जो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि वो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर लिखी हुई हैं वो सब 7 क्वांटिटीज़। इनके यूनिट्स क्या हैं? मास का यूनिट है 1 किलोग्राम, मगर 1 किलोग्राम कितने वजन को कहते हैं? तो फ्रांस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक इदारा है, उन्होंने वहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसके खास डायमेंशंस हैं 3.9 × 3.9 सेंटीमीटर्स, और इसकी ये एक एलॉय है जिसके अंदर प्लैटिनम और इरिडियम एक खास तनासब में पाया जाता है। इस सिलेंडर का एक खास टेम्परेचर के ऊपर जो वजन होता है उसको कहते हैं 1 किलोग्राम। अब पूरी दुनिया में अगर किसी ने वेट मेजर करना है तो वो इस यूनिट को इस्तेमाल करते हुए करेगा। हम कैसे वेट मेजर करते हैं? दुकान में जाते हैं, एक स्केल होता है उनके ऊपर, उनके पास, और वो उनके पास कोई पत्थर होते हैं जिसके ऊपर 1 किलोग्राम लिखा होता है, तो वो बेसिकली स्टैंडर्ड होते हैं। उस पत्थर का वेट इस सिलेंडर के वेट के बराबर होता है, और फिर हमने जो चीज़ मेजर करनी है वो हम दूसरी स्केल में रखते हैं। मसलन अगर हमने चीनी मेजर करनी है तो फिर हम देखते हैं वो कितने किलोग्राम्स के बराबर है, 1 या 2 या 2.5, ये फिर हमारी मेजरमेंट होती है 2.5 किलोग्राम्स शुगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। इसी तरह लेंथ के यूनिट्स हैं, लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर्स में, मीटर कितनी लंबाई को कहते हैं वो खास एक डिफाइंड है। ये सारा हमारी बुक के अपेंडिक्स 1 में गिवन है। टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड्स में, कितनी ड्यूरेशन के टाइम को 1 सेकेंड कहते हैं, ये सिस्टम इंटरनेशनल में डिफाइंड है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर्स में, टेम्परेचर को केल्विन में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं और ये इनके यूनिट्स हैं। अब हम देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम बेसिक क्वांटिटी की मदद से कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं फोर्स की। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। 1 न्यूटन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम मास की एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम 1 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन देते हैं, तो उसके लिए जितना फोर्स इस्तेमाल होता है वो 1 न्यूटन के बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है वर्क की। वर्क के यूनिट जाउल हैं। 1 जाउल वर्क उतना वर्क होता है जिससे हम अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें किसी चीज़ पर और उसको हम 1 मीटर की
डिस्प्लेसमेंट दें, उसको हम 1 मीटर मूव करें, तो जो वर्क हम करेंगे उसको 1 जूल कहेंगे। इसके अलावा पावर, पावर मेजर किया जाता है वॉट में, 1 वॉट। अगर हम 1 जूल वर्क करें 1 सेकेंड में, तो जितनी पावर हम कंज्यूम करेंगे वो 1 वॉट के बराबर होगी। प्रेशर मेजर किया जाता है पास्कल्स में, 1 पास्कल बराबर होता है, अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर अप्लाई करें तो हम उसके ऊपर 1 पास्कल प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर किया जाता है कूलम में, 1 कूलम उतना चार्ज होता है कि अगर 1 एम्पेयर का करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे तो जितना चार्ज फ्लो होगा वो बराबर होता है 1 कूलम के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, आपकी बुक के टेबल 1.3 में दी गई हैं, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, इनको इनको अगर हम जहन में रखें तो हमारे लिए फायदेमंद होगी। हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, उनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेंथ, मास और टाइम, क्योंकि हम जो डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं वो इनके यूनिट से मिला के हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स या स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। तो हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए इसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं, हम डिराइव्ड क्वांटिटी को के साथ एक डायमेंशन एसोसिएट कर सकते हैं, और डायमेंशन का मतलब होता है कि वो डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर लेंथ, मास और टाइम में से कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। मसलन 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो इसके अंदर किलोग्राम्स मास के कॉरस्पॉन्डिंग है, मीटर्स में हम लेंथ मेजर करते हैं, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, टाइम का डायमेंशन 2 टाइम्स स्क्वायर्ड। लेंथ को हम एल, मास को एम और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके डायमेंशंस को। इस तरह हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को उसके डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब हम लंबी लंबी डेरिवेशंस कर रहे होते हैं, इक्वेशन के दोनों साइड पे कोई एक्सप्रेशन होता है, अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी हमारी कैलकुलेशंस ठीक हैं, ये एक तरह का चेक है कि आप उनकी डायमेंशंस निकालें और दोनों साइड्स पे डायमेंशंस एक जैसी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि आपने कोई बेसिक गलती नहीं की अपनी कैलकुलेशंस में या आपकी अजम्पशंस ठीक हैं। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को, जो कि सिर्फ 2 हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल होता है अगर एक सर्कल जिसका रेडियस आर है उसकी सर्कमफ्रेंस पे एक आर्क हो जो उसके रेडियस के बराबर हो, ये आर्क उसके सेंटर पे जो एंगल प्रोजेक्ट करती है वो 1 रेडियन कहलाता है। और इसी चीज को अगर हम 3 डायमेंशन में देखें, अगर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्फीयर है और उसकी सरफेस पे एक सर्कल है जिसका एरिया आर स्क्वायर है, ये सर्कल उसके सेंटर के ऊपर जो एंगल प्रोजेक्ट करेगा उसको हम 1 स्टेरेडियन कहते हैं। प्लेन एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल और 3 डायमेंशनल एंगल को अगर हमने नापना हो तो हम रेडियन और स्टेरेडियन के यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। इनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्यों कहते हैं, इसलिए कि बेसिक क्वांटिटी की केस में हमने देखा कि उनके जो स्टैंडर्ड थे, फॉर एग्जांपल मास का स्टैंडर्ड किलोग्राम था जो कि एक फिजिकल सिलेंडर के बराबर उसका वजन था, ऐसा स्टैंडर्ड ये नहीं है, हमारे पास रेडियन और स्टेरेडियन किसी फिजिकल क्वांटिटी के बराबर नहीं है। ना ही डिराइव्ड क्वांटिटीज के केस में हमने देखा कि फोर्स था और उसका जो यूनिट था न्यूटन, उसको हमने ब्रेक डाउन किया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बेसिक क्वांटिटी के स्टैंडर्ड के बराबर था। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के केस में हम अपने रेडियन और स्टेरेडियन को बेसिक क्वांटिटीज में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये लिहाजा ये इन दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करता, इसलिए हमने इनको एक अलग कैटेगरी में डाला जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कह देते हैं। अब हम बेसिक और डिराइव क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ MCQs देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस क्वांटिटी। नॉट अ बेस क्वांटिटी का मतलब है कि हम डिराइव्ड या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ढूंढ रहे हैं, इन चारों में से हम देखते हैं डिराइव्ड कौन सी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिराइव नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिराइव्ड है, प्रेशर डिराइव्ड है, वर्क डिराइव्ड है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी, हमारे पास 3 ऑप्शंस ठीक आ रहे हैं। अब मेरे इल्म के मुताबिक इन MCQs में एक क्वेश्चन, एक आंसर ठीक होता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग उन्होंने किया, इसका भी ये मतलब होता है कि इनमें से एक ठीक है, तो शायद ये क्वेश्चन उन्होंने उल्टा दिया है, शायद ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी होना चाहिए। तो फिर हम इसका आंसर जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कर सकते हैं। बहरहाल हमें पता है कि हम इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कैसे कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि 7 बेसिक क्वांटिटीज कौन सी हैं, तो हम फिर बता सकते हैं कि 7 बेसिक क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी, अब इसमें से हमने बेसिक या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ढूंढनी है।
तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है, डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है, प्रेशर डिराइव्ड क्वांटिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिराइव्ड नहीं है, तो इसका जवाब सी है, देयर आर 7 बेस यूनिट्स, ये हमें पता है। अब हम मजीद एमसीक्यूज देखते हैं बेसिक एंड डिराइव क्वांटिटी से रिलेटेड। केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार डिराइव क्वांटिटीज हैं। इस सवाल को हल करने के लिए हम इन डिराइव क्वांटिटीज को बेसिक बेसिक यूनिट्स में हम लिखेंगे, क्योंकि केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेसिक यूनिट दिया गया है, तो फिर हम देखेंगे इन क्वांटिटीज में से किसके बेसिक यूनिट्स इस चीज के बराबर हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर को देखते हैं। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, और 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन। हम 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर अप्लाई करें तो 1 पास्कल का हम प्रेशर दे रहे होते हैं। इसको फर्दर हम बेसिक यूनिट में न्यूटन को ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूटन बराबर होता है केजी, न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो मीटर मीटर से कट जाएगा और हमारे पास रह जाएगा केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमसे पूछा गया है केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है। तो हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन को डिराइव किया और वही हमारा सही जवाब है। अगर ये ठीक ना होता तो फिर हम फिर वर्क को करते हैं, फिर फोर्स को करते हैं, फिर पावर को करते हैं। दूसरा है पावर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एज, अब हमने पावर जो कि एक डिराइव क्वांटिटी है उसको बेस यूनिट में ब्रेक डाउन करना है। पावर होती है, पावर का यूनिट होता है वॉट, 1 वॉट बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट सेकेंड, जाउल पर सेकेंड। तो जाउल को अब हम ब्रेक डाउन करते हैं फर्दर, जाउल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, न्यूटन मीटर पर सेकेंड आ गया। न्यूटन को ब्रेक डाउन करते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, हमारे पास हो गया केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड क्यूब। बी ऑप्शन जो है वो पावर के यूनिट के बराबर है। नेम द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द बेस यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। अब हम इन डिराइव क्वांटिटी को 1 बाय 1 बेसिक क्वांटिटी में ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि हमारे इसके बराबर आता है या नहीं। प्रेशर पास्कल के बराबर था, पास्कल था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास, जो कि हमारे पास मीटर मीटर से कैंसिल होके केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा अब हम पावर देखते हैं, दूसरा ऑप्शन पावर होता है 1 वॉट, जाउल पर सेकंड के बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, न्यूटन मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ये बराबर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये हमारा दुरुस्त जवाब है। हम देख सकते हैं कि ये इसके बराबर है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक था जो कि हम चूज कर लेते हैं। द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है और उसके हमने बेसिक यूनिट फाइंड करने हैं, और फिर हम इन चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि कौन किसके वो बराबर है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है एम्पेयर सेकेंड। हम न्यूटन को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और इसको हम डिवाइड करेंगे एम्पेयर सेकेंड से, तो हमारे पास क्या बनेगा, एम्पेयर एक बेसिक यूनिट है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, के जी मीटर पर एम्पेयर सेकेंड क्यूब। हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन हमारे पास कौन सा वाला है, के जी मीटर डिवाइडेड बाय एम्पेयर पर सेकेंड क्यूब, ए वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है, उसको हम चूज कर लेंगे।